हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल माँ अम्बे रसोई में आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड, यदि मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड, आप तो ये समझ गए होंगे ये मैं मिठाई बना रही हूँ। ये मिठाई कौन सी? ये पंजाब की बहुत फेवरेट मिठाई, इसको डोडा बर्फी कहते हैं। ये डोडा बर्फी बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि ये गेहूँ से बनती है। मैंने इस मिठाई में ना तो चाशनी बनाई है, ना तो मावा डाला है और ना ही मिल्क पाउडर डाला है। ये मैंने बिना इन सब चीज़ों के बनाई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, तो इसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक कोई मिठाई की दुकान में जाएंगे सबसे पहले ये मिठाई मांगेंगे। तो ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनती है और मैंने इसको बिल्कुल जैसे बाजार में कटोरी में रखकर मिलता है, मैंने उसकी तरह बनाया है। ये मैंने त्यौहार के लिए बनाई है क्योंकि त्यौहार में अच्छा ना तो खोया मिलता है ना तो कुछ मिलता है, और मिठाई भी अच्छी नहीं मिलती, सब नकली सामानों से बनी रहती है। इसलिए आप अपने घर की थोड़ी चीज़ों से इसको बनाइए। चलते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है इसको देखने। दोस्तों, आज मैं पंजाब की ट्रेडिशनल मिठाई डोडा बर्फी बना रही हूँ। मैं ओरिजिनल तरीके से बना रही हूँ, ये गेहूँ से बनती है, मैं गेहूँ से ही बना रही हूँ। और इनको गेहूँ को मैंने अच्छे से बीन लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं एक गेहूँ को सारे बर्तन पर डाल रही हूँ। गेहूँ को बर्तन में डालने के बाद इसको मैं पानी डालकर इसको फुलो लेती हूँ। इसको पूरी रात रख कर फुलो लेना है और एक बर्तन से ढक कर रख दीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे दिन इसको देख रही हूँ तो देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं ये। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे हो गए हैं। अब इनको एक छन्नी में डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। फ्रेंड, ये गेहूँ 2 कप थे और इनको मैंने छान लिया है। अब इसको किसी कॉटन के कपड़े पे या किचन टॉवल पर डाल लीजिए और इसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए कपड़े को, या तो आप गांठ लगा लीजिए। और इसको अब किसी दूसरे बर्तन पर रख दीजिए जिससे हम इसको ढक सकें। और यदि ये आपका कपड़ा सूख जाए तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते रहिएगा जिसमें इसमें नमी बनी रहे, क्योंकि हमको इसको अंकुरित करना है, जिसको औंसे भी बोलते हैं कि औंसे निकलने, अंकुरित करना है। तो आप इसको एक तस्तरी से ढककर करीब 1.5 से 2 दिन के लिए आप रख दीजिए। फ्रेंड, देखिए अब मैंने 2 दिन बाद खोला है, इसमें कितने अंकुर निकला है। तो ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। यदि आप दलिया से बनाएं तो आप इसको खाली फुलो सकते हैं, उसमें ये अंकुरित नहीं कर सकते हैं। मुझे इसको दरदरा सा पीसना है, इसलिए एक मिक्सी का जार लें और उसमें अंकुरित गेहूँ डालें और दरदरा सा पीस लें। दरदरा इतना पीसना है जैसे कि हमारी दलिया दरदरी जैसी होती, वैसे ही इसको पीसना है। देखिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कर करके पीस लिया है। इसी तरह मैंने पूरी दलिया को 3 बार कर कर पीस लिया है। मेरे पास गेहूं नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस मिठाई को आप दलिया से भी बना सकते हैं। बिल्कुल परेशान ना होइए, दलिया से बनाइए, स्वाद वही आएगा। बस केवल दलिया अंकुरित नहीं हो पाएगी, गेहूँ अंकुरित हो गए। पिसी हुई दलिया को एक किसी कढ़ाई में या फ्राई पैन में या आप स्टील की कढ़ाई में किसी में भी डाल सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई में दलिया डाल दिया है। अब इसमें मैं पूरा 2 लीटर दूध डाल रही हूँ, ये फुल फैट दूध डालना है हमको। दूध डालने के बाद मैं आधी कटोरी दही है वो डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इस दूध को फाड़ना है। यदि आपके पास दही नहीं है तो मैं आगे बताऊँगी आपको क्या डालना है। आप गैस को ऑन कर दीजिए और अच्छे से इसको दूध को पकने दीजिए। दूध खौलने लगा है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि दूध थोड़ा सा फट गया है। हमको दूध फाड़ना था इसीलिए मैंने इसमें दही डाला था, क्योंकि इसके पनीर के लच्छे जैसे आवे और इससे मिठाई बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। अब इसको दूध को हमें बराबर इसी तरह चलाते रहना है, इसको हमें दूध को जलाना है, आधा कर देना है इसको। दूध जलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए इसको फुल फ्लेम पर ही चलाइए और बराबर चलाते रहिए। इसको अच्छे से फाड़ने के लिए हमें विनेगर लेना है। 2 चम्मच मैंने विनेगर लिया है और उसमें डबल पानी डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे कर मैं जो दूध खोल रहा है उसमें डालूंगी, जिससे मेरे दूध के और अच्छे से लच्छे बन जाएं। यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का एक नींबू का रस डालिए और डबल पानी डाल दीजिए, फिर इसमें धीरे धीरे कर डाल दीजिए। ये विनेगर डालते ही मेरे दूध में पनीर जैसा दिखाई देने लगा है। अब आप इसमें इस मिठाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्लूकोज डालना। इस मिठाई के लिए हम ग्लूकोज बनाना आपको सिखाते हैं। ग्लूकोज वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन जब नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं आपको सिखाती हूँ। एक भारी तले का बर्तन लीजिए, उसमें ये एक कटोरी चीनी है, ये चीनी 1 टीस्पून है और ये पानी उसका आधा लेना है। जैसे 1 टीस्पून चीनी है और
4 टीस्पून हमें पानी लेना है। अब इसको डालकर हम गैस पर चढ़ा देते हैं और इसको अच्छी तरह पकाते हैं। पहले तेज करिए, फिर थोड़ा सा धीमी गैस में कर के इसको पकाइए और एक नींबू का टुकड़ा काट कर इसमें डालिए। नींबू में बीजे नहीं होना चाहिए। फ्रेंड देखिए, ये जो ग्लूकोज बना रहे हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन आप इसको एक चमचे में लीजिए, इसको ऐसे ऊपर करके डालिए। यदि आपका ये आखिरी जो बूंद है वो लंबे तार जैसी आ रही तो समझ लीजिए हो गया, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। आपको नहीं समझ में आए तो एक कटोरी में पानी डालिए, उसमें थोड़ा सा ये चाशनी डालिए। यदि ये चाशनी चम्मच से उठाने पर या हाथ से उंगली से उठाने पर ये ठीक जैसी होती तो आप समझ लीजिए कि हमारी ये ग्लूकोज बनकर तैयार हो गई। ये देखिए चम्मच में इकट्ठा हो गई, इसलिए ग्लूकोज बनकर तैयार है। आप गैस बंद कर दीजिए, होने के लिए रख दीजिए और फिर इसको एक किसी दूसरे बर्तन पे पलट लीजिए। मेरा ग्लूकोज बनकर तैयार है। कितना इजी है ग्लूकोज बनाना, आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो गए, इसलिए आपको घर पर ही इस तरह से आप ग्लूकोज बना सकते हैं। अब इस मिठाई के लिए हमें कोको पाउडर लेना है जो हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 चम्मच कोको पाउडर लेना है और ये चुटकी भर ये रेड कलर आप स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपके पास चुकंदर है तो उसका रस भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालिए, इन दोनों को अच्छे से चम्मच की सहायता से घोल लीजिए। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, तो ये आप कलर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। केवल हमें कोको पाउडर की ज़रूरत है। आप मिठाई बिना कोको पाउडर उसके भी बना सकती हैं, लेकिन हम मार्केट जैसी बना रहे हैं, हलवाई जैसी बना रहे हैं, इसलिए कोको पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें दूध हमारा ये आधा से भी कम हो गया है। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। चीनी ये मेरा 1 कप है और थोड़ी मैं और डालूंगी, ये 1.25 कप मैंने चीनी इसमें डाल दी। चीनी कम ज़्यादा आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करें वैसा डालिए और इसको चीनी डाल के अच्छे से पका लीजिए। ये देखिए हमारा दूध काफ़ी जल गया है, काफ़ी थिक हो गया है। अब इसको हम कंचली के सहायते से दबा दबा कर इसके जो दाने बड़े रह गए हैं जो पिसने में गेहूं के, तो उसको दबा रहे हैं। ये देखिए मैं गिलास की सहायता से इसको जो दाने हैं उनको मिस रहे हैं। यदि आपके पास पोटैटो मैसर या पाव भाजी मैसर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं गिलास से इस कारण दिखा रही हूँ कि बहुत से लोगों के पास ये पाव भाजी मैसर नहीं होता, वो इस तरीके से भी दबा के कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने ग्लूकोज को देखते हैं, ग्लूकोज हमारा ठंडा होने पर कैसा हो गया है। देखिए ये ग्लूकोज कितना एकदम थिक जैसा हो गया, बिल्कुल जैसे बाजार में लिक्विड वाला ग्लूकोज मिलता है, बिल्कुल वैसे ही ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल आप घर में बनाइए, बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा ग्लूकोज, बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मिठाई में ग्लूकोज डालने पर मिठाई का चमक बहुत अच्छी आती है, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है। कई बार बाज़ार से लाने के पीछे हम रह जाते हैं। अब हम इस मटेरियल पर 1 चमचा घी डालेंगे, करीब ये 7-8 चम्मच घी है जो मैं इस मिठाई पर डाल रही हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में भी और देसी घी डालूँगी। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल है जो मैंने आधी कटोरी नारियल कद्दूकस किया। नारियल डालना बहुत ज़रूरी है, इस मिठाई में नारियल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम गरी को अच्छी तरह मिला लें। अब थोड़े से कटे हुए काजू डालें, काजू डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अपनी मनपसंद की कोई और बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। आप इसी तरह भी बर्फ़ी अभी जमा सकते हैं अभी, लेकिन ये भी थोड़ा सा गीला है और इसको थोड़ा सा जलाइए और फिर इसको बर्फ़ी आप इस कलर की भी जमा सकते हैं। अब मैं इसको बाजार जैसा बनाना है, इसलिए जो मैंने कोको पाउडर और कलर बोल के रखा था वो अब हम इस बर्फ़ी पर इसको डालेंगे। अब मैं पूरा कोको पाउडर इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिला देती हूँ। अच्छे से मिला लीजिए, देखिए ये बिल्कुल कलर जैसे हमारे बाजार की मिठाई का होता है बिल्कुल उसी तरह का आ गया है। आपको मेरी वीडियो पे कलर कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन कलर बिल्कुल वैसे ही आया है जैसा कि बाजार की मिठाई का होता है। बनकर तैयार है। अब हम एक ट्रे पर देसी घी डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, चारों तरफ अच्छे से घी लगा लें। मिठाई बिल्कुल बनकर तैयार है और हम इसको ग्रीस की हुई ट्रे पर इसको जमाने के लिए लगा देते हैं। देखिए मेरी मिठाई कितनी कैसी ठीक हुई है, बस हमको इसी तरह चाहिए है। अब इसको अच्छे से पूरी ट्रे में बिछा लीजिए और अपनी मनपसंद मेवा से गार्निश कर लीजिए। मैं तो पिस्ता और बादाम की कतरन से इसको गार्निश कर रही हूँ, जैसे मार्केट में बिल्कुल बादाम और पिस्ता से गार्निश की हुई मिलती, बिल्कुल उसी तरह देखिए मेरी मिठाई का कलर बिल्कुल मार्केट जैसा आया है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने भी कभी ये मिठाई बनाई है तो आप इसको त्यौहार में बनाइए। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसमें अपने भाइयों को बना खिलाइए, आपकी सब बहुत तारीफ़ करेंगे। अब उसी कंचली से मेवा को अंदर से दबा दीजिए जिससे कि ये बाहर निकले नहीं काटने पर। अब बिल्कुल मिठाई बनकर तैयार है। इस मिठाई को 7-8 घंटे छोड़ दिए, यदि जल्दी तो इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए। ये फिर इसको बाद इसको काटिए और इसको सर्व कीजिए।
और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपको कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।